www.minnewsmenu.com minnewsmenu.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फी। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हम बेसन की जगह बिना छिलके के पूरे चने लेंगे। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हम लेंगे बिना छिलके के रोस्टेड चने आधा किलो, देसी घी 400 ग्राम, सफेद तिल 100 ग्राम, भूरा चीनी 200 ग्राम। स्वाद अनुसार हम इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। बेसन की बर्फी में आपको क्विक मेथड सिखा रही हूँ। इसके अंदर हम बेसन की जगह भुने हुए चने का इस्तेमाल कर रहे हैं। भुने चने का यूज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बेसन भुनने का समय हमारा सेव हो जाए। सबसे पहले हम भुने हुए चनों को मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। चने हमारे बेसन की तरह बारीक पीस गए हैं। इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के चने पीस लेंगे। इसके बाद फ्राई पैन गरम करके हम इसमें तिल भून लेंगे। तिल को हम सूखे फ्राई पैन में डालेंगे और मीडियम आंच पे इसे भूनेंगे। तिल भूनते समय इसे हम चलाते रहेंगे ताकि तिल काले ना हो। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक चलाएंगे। तिल काले होने पे बेसन की बर्फी का टेस्ट बेकार हो जाएगा। तिलों का रंग चेंज हो चुका है और ये चटक गए हैं। तिल भुनने के बाद हम इसे उसी समय किसी बर्तन में निकाल लेंगे, नहीं तो तिल काले हो जाएंगे। इसके बाद हम फ्राई पैन के अंदर घी को गर्म कर लेंगे। इसमें घी ज्यादा यूज करने के कारण ये हाई कैलोरी डिश है। इसे आप बनाइए शौक से और खाइए कंजूसी से। पिसे हुए चने में हम आधे तिल मिला लेंगे। इसके साथ ही हम भूरा चीनी डाल देंगे। इस सारे मटेरियल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी को हम स्वाद अनुसार ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। इस मटेरियल को मिक्स करने के बाद हम इसमें घी डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर को हमने घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्सचर इस तरह से हो कि ऊपर से घी की हमें चमक नजर आए। प्लेट को हम थोड़ा सा घी डाल के ग्रीसिंग कर लेंगे और इसमें सारा मटेरियल डाल देंगे और इसे प्रेस करते हुए पूरी तरह से फैला लेंगे। इसे हम ऊपर से प्लेन कर लेंगे और थोड़ा सा तिल की गार्निशिंग करेंगे। इस मटेरियल को हम 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। बेसन की बर्फी के अलावा आप मेरी और भी रेसिपी minnewsmenu.com के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारा बेसन की बर्फी का मटेरियल सेट हो चुका है। इसे हम पीसेस में काट लेंगे। क्विक मेथड बेसन की बर्फी आप एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। लाइक मी न्यूज मेन्यू फेसबुक पेज एंड सब्सक्राइब ऑन मी न्यूज मेन्यू यूट्यूब चैनल फॉर अपडेट्स।